इवनिंग स्टूडेंट्स, सो इस साल का टर्म वन का जो सीबीएसई का पेपर है वो प्योरली एमसीक्यू बेस्ड है, और एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस में हमारे पास एक क्वेश्चन की मल्टीपल चॉइसेस आती हैं, जिसमें से हमको एक करेक्ट ऑप्शन चूज करनी होती है। और आज हम यहाँ पर फिजिक्स में नल पॉइंट का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। ये जो ट्रिक हम यहाँ पर सीखेंगे ये प्योरली एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नल पॉइंट क्या होते हैं? नल पॉइंट, नल मतलब जीरो, और फिजिक्स के अंदर नल पॉइंट हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म के अंदर आता है। सो नल पॉइंट, जैसे कि हमारे पास सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें टीचर हमको यहाँ पर दो चार्जेस देता है और उन चार्जेस की वजह से नल पॉइंट निकालने को बोलता है। नल पॉइंट हमको निकालना है फॉर दी इलेक्ट्रिक फोर्स, नल पॉइंट फॉर द इलेक्ट्रिक फोर्स। और यहाँ पर जो क्वेश्चन होगा उसकी स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पर ये होगी कि मेरे पास दो चार्जेस गिवन है और उन दोनों चार्जेस की वजह से मुझे यहाँ पर नल पॉइंट निकालना है। जहां पर हम तीसरे चार्ज को रखें तो उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो हो जाए। तो इसमें हमारे पास सबसे पहला केस आता है लाइक चार्जेस वाला, यानी कि हमारे पास वो दो चार्जेस जिनकी नेचर या पोलैरिटी हमारे पास सेम है। ये या तो हमारे पास दोनों पॉजिटिव चार्जेस होंगे या फिर मेरे पास दोनों नेगेटिव चार्जेस होंगे। तो मैं सिंपलिसिटी के लिए पॉजिटिव चार्ज के लिए यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ और हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं फॉर दी नेगेटिव पेयर ऑफ दी चार्जेस आल्सो। ये मेरे पास दो चार्जेस हैं और इनके बीच का डिस्टेंस हमारे पास आर के बराबर है। टीचर बोलता है कि तीसरा चार्ज मैं कहाँ रखूं कि उसके ऊपर नेट फोर्स इन दोनों चार्जेस के वजह से जीरो आ जाए। तो जो तीसरा चार्ज है वो हम एक ऐसे पॉइंट पर रखेंगे जो कि इन दोनों चार्जेस के बीच में लाई करेगा। ये दोनों या तो नेगेटिव हो या ये दोनों हमारे पास पॉजिटिव, लेकिन बीच में रखने का मतलब कई बच्चे मिड पॉइंट समझ लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। सबसे पहले मुझे यहाँ पर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ दी आपके पास यहाँ पर स्मॉलेस्ट चार्ज। आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट चार्ज है इन दोनों में से उसका मैग्नीट्यूड क्या है। मतलब अगर ये दोनों चार्जेस अगर नेगेटिव हुए तो आपको मैग्नीट्यूड देखना पड़ेगा। सपोज Q2 चार्ज का मैग्नीट्यूड Q1 से छोटा है, मैं मान लेता हूँ कि Q2 का मैग्नीट्यूड इज लेस देन आपके पास यहाँ पर Q1, और इस वजह से नल पॉइंट जो होगा वो हमारे पास Q2 के पास लाइक करेगा। और लेट द डिस्टेंस ऑफ दिस नल पॉइंट फ्रॉम द Q2 चार्ज बी एक्स। ये एक्स आप कैसे निकालोगे? एक्स इज गिवन बाय टोटल डिस्टेंस आर, और नीचे हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देंगे एंड अंडर रूट ऑफ, यहाँ पर मेरे पास Q1 और नीचे हमारे पास यहाँ पर Q2 आ जाएगा। यहाँ पर हम ब्रैकेट यहाँ पर हम क्लोज कर देते हैं एंड वी हैव प्लस ऑफ वन। तो डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास वो चार्ज आएगा जिससे हम ये एक्स डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, और ये हमारे पास नल पॉइंट बन जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स का। लेकिन अगर हमारे पास एक चार्ज पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, देन व्हाट विल हैपन? अगर हमारे पास बी पॉइंट आपके पास आ जाता है अनलाइक चार्जेस का, कि मेरे पास अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगेन आधा कॉन्सेप्ट तो हमारे पास वही है कि आपको वो चार्ज आइडेंटिफाई करना है जिसका मैग्नीट्यूड छोटा है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जिसका मैग्नीट्यूड छोटा है, ये ना मत करना कि आप नेगेटिव चार्ज को छोटा मान के चल पड़ो। हो सकता है कि ये -6 हो और ये 4 हो, तो आपको 4 छोटा चार्ज मानना है -6 नहीं, क्योंकि -6 का मैग्नीट्यूड 6 हो जाता है। और हमारे पास अब नल पॉइंट इन दोनों के बीच में नहीं रहेगा, ये छोटे चार्ज के पास ही, लेकिन ये अब आउटसाइड दी सिस्टम चला जाएगा, और ये डिस्टेंस हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? एक्स के बराबर। ये हमारे पास अब नल पॉइंट है। तीसरे चार्ज को अगर आप अब एक्स पे रखोगे तो इन दोनों चार्जेस की वजह से नेट फोर्स जीरो हो जाएगी, और इस पर्टिकुलर केस के अंदर हमारे पास एक्स किसके बराबर आ जाएगा? टोटल डिस्टेंस आर और नीचे अंडर रूट ऑफ Q2 अपॉन Q1 और ब्रैकेट क्लोज, और ये हमारे पास यहां पर
माइनस ऑफ वन आ जाएगा, माइनस ऑफ वन। लाइट चार्जेस के लिए प्लस वन और अनलाइट पोलैरिटी या अनलाइट चार्जेस के लिए माइनस वन। एंड सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट यूज किया जा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी हमारे पास सेम कॉन्सेप्ट यूज किया जा सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है द नल पॉइंट फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नल पॉइंट फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नल पॉइंट, नल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर एक चार्ज का हमारे पास पॉजिटिव और दूसरे का नेगेटिव होना जरूरी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और हमारे पास इन दोनों चार्जेस को हम Q1 और हमारे पास माइनस ऑफ Q2 हम प्लेस कर रहे हैं एट द डिस्टेंस ऑफ r। नल पॉइंट कहां पर होगा? अगेन छोटे चार्ज के मैग्नीट्यूड के पास। हमारे पास ये छोटे चार्ज के मैग्नीट्यूड के पास लाई करेगा, Q1 का मैग्नीट्यूड माइनस Q2 के मैग्नीट्यूड से छोटा है, तो ये नल पॉइंट हमारे पास एक अंदर लाई करेगा, पॉइंट नंबर वन, और एक नल पॉइंट हमारे पास बाहर लाई करेगा। इस बात का ध्यान रखना कि हमारे पास एक नल पॉइंट दोनों के बीच में लाई करेगा और एक नल पॉइंट दोनों के बाहर, मतलब कि आउटसाइड लाई करेगा। अगर ये डिस्टेंस मेरे पास यहां पर x है तो दूसरे डिस्टेंस को हम x डैश, ये दोनों डिस्टेंसेस स्मॉलेस्ट चार्ज से मैं निकाल रहा हूं, इन दोनों में से जो छोटे चार्ज का, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड छोटा है वहां से निकाल रहा हूं। और इनफैक्ट एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूं, और वो एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है कि ये जो आपके पास दो नल पॉइंट है ये बेसिकली हमारे पास एक सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, ये एक सर्कल के ऊपर लाइक करते हैं, और ये Q1 चार्ज उस सर्कल का सेंटर होगा ये जरूरी नहीं है, Q1 उस सर्कल का सेंटर होगा ये जरूरी नहीं है। तो हमारे पास एक आ गया x और दूसरा मेरे पास क्या आ गया x डैश, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस r नीचे। अब हमारे पास यहाँ पे रूट का फैक्टर नहीं आएगा, प्लीज ध्यान रखना रूट का फैक्टर हमारे पास नहीं आएगा। ऊपर Q2 का मैग्नीट्यूड, रिमेंबर इस शॉर्टकट में, पीछे भी बता दूं, यहाँ पर इस शॉर्टकट में नेगेटिव साइन कहीं नहीं आता, नेगेटिव साइन नहीं आता, चार्जेस का मैग्नीट्यूड यूज होता है। और नीचे मेरे पास यहाँ पर Q1 का मैग्नीट्यूड, और मेरे पास यह अंदर वाला चार्ज, अंदर वाला पॉइंट है, नॉट चार्ज, अंदर वाला हमारे पास पॉइंट है, इस वजह से यहाँ पर प्लस वन आ जाएगा। और दूसरे नल पॉइंट की लोकेशन क्या आ जाएगी, R डिवाइडेड बाय हमारे पास यहाँ पर Q2 का मैग्नीट्यूड और यहाँ पर Q1 का मैग्नीट्यूड, और मेरे पास माइनस वन आ जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर दो आपके पास नल पॉइंट है ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दो पॉइंट लाई करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, और बेसिकली एक सर्कल पे लाई करते हैं, और Q1 चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड छोटा है ये सर्कल का सेंटर होगा ये जरूरी नहीं है। नेक्स्ट वन, अब हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ जाता है द नल पॉइंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, the null point of the magnetic field। null point of the magnetic field में हमारे पास typical question आता है, मेरे पास यहाँ पर दो current carrying wires, इन दोनों current carrying wires की direction, current को carry करने की direction same है, और इन दोनों के बीच का distance मेरे पास r के बराबर है, और ये current मेरे पास i1 है और यहाँ पर i2, तो मेरे पास i1 is greater than i2, और टीचर बोलता है कि इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नल पॉइंट आपके पास कहां की तरफ को लाई करेगा, ये नल पॉइंट इन दोनों के बीच में लाई करेगा, और किसके पास लाई कर जाएगा, जो आपके पास स्मॉलेस्ट करंट क्या एलिमेंट है उसके पास, तो ये डिस्टेंस मेरे पास मान लो एक्स आ गया। अब ये आप एक्स कैसे निकालोगे, टोटल डिस्टेंस आर नीचे, हमारे पास आई वन और यहां पर आई टू, ब्रैकेट क्लोज, और मेरे पास यहां पर आपके पास आ जाएगा प्लस ऑफ वन। लेकिन अगर हमारे पास यहां पर इस तरीके से ये हमारे पास करंट कैरिंग वायर है और ये दोनों इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, और दूसरा मेरे पास करंट नीचे की तरफ को कैरी कर रहा है, ये आई वन और यहां पर आई टू, और इन दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस आर के बराबर है, और अगेन आई टू इज लेस देन आई वन, तो नल पॉइंट I2 के पास लाई करेगा, लेकिन अब वो
बाहर की तरफ को आ जाएगा, और इसका डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पर x डैश, तो ये x डैश किसके बराबर आ जाएगा, r डिवाइडेड बाय हमारे पास ऊपर की तरफ को हमारे पास क्या आ जाएगा, आपके पास i1, नीचे हमारे पास यहाँ पर i2, और हमारे पास यहाँ पर माइनस वन। तो ये नल पॉइंट के हमारे पास कॉन्सेप्ट है, और ये नल पॉइंट क्या होगा, इन दोनों करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से वो पॉइंट जहां पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो। सो ये हमारे पास नल पॉइंट का कॉन्सेप्ट है। वेरी इफेक्टिव टेक्निक, ये बहुत इफेक्टिव टेक्निक रहेगी फॉर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन एक्यूरेट भी आएगा और जल्दी भी हो जाएगा। थैंक यू।